स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ देवकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। शायद आपने थंबनेल पढ़ाई है, लेकिन वापस एक बार बता देता हूं, भगवत गीता टेल्स अस मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। जी हाँ, क्या कह रहा हूं मैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज इन भगवत गीता। सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, भगवत गीता अपने को मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आज के जमाने में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो 5200 साल पहले भगवत गीता में कैसे क्या बोल दिया। बेटा एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, भगवत गीता इज द फर्स्ट मोटिवेशनल सेमिनार ऑन दिस प्लैनेट जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया था अर्जुन को और धृतराष्ट्र संजया को। तो ये सब जो अपन पढ़ते हैं भगवत गीता के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे मैनेजमेंट टॉपिक्स है जो हम लोग डे बाय डे अपलोड करेंगे हम लोग के चैनल के ऊपर। तो पहले चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके हाथ से कोई भी वीडियो छूटे नहीं। तो शुरू करता हूं आज के वीडियो के टॉपिक के साथ, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज इन दी भगवत गीता। भगवत गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक है, टोटल 18 चैप्टर्स, 700 श्लोक, जिसमें से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुना इनके बीच में कॉन्वर्सेशन है, जो कॉन्वर्सेशन आज और आगे आने वाले कई सारे जमाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करने जा रहा हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या क्या है इसके अंदर। अब पूरा भगवद गीता का अगर एक थोड़ा सा अंदाजा आपको देना चाहूं तो सिंपल है, पहला चैप्टर 46 श्लोक एंड दूसरा चैप्टर के 9 श्लोक सिर्फ और सिर्फ अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्वेश्चन पूछ रहे, सवाल पूछ रहे कि एग्जैक्टली वो युद्ध जो है, महाभारत जो है, वो लड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि अर्जुन थोड़ा डर गया है, सामने अपने ही भाई है तो उनके साथ कैसे लड़ू, घर वाले हैं, घर वालों के साथ कैसे लड़ा जाए, तो थोड़ा हाथ पैर कांप रहे उसके। तो उसके बारे में ये क्वेश्चंस पूछ रहे अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को। एंड आफ्टर 10th श्लोक ऑफ 2nd अध्याय, चैप्टर 2nd के 10वें श्लोक से श्री कृष्ण भगवान ने बोलना चालू किया। 48 मिनट का ये पूरा भगवद गीता का कॉन्वर्सेशन है। तो श्री कृष्ण भगवान ने चैप्टर 2 के 10वें श्लोक से जो शुरुआत की है, एंड तक 17 चैप्टर तक, 17 अध्याय तक श्री कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं, ओके। और 18वां अध्याय पूरा का पूरा भगवद गीता का बोलते हैं सार, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल कंक्लूजन ऑफ द भगवद गीता, जो 18वें अध्याय में हम लोग को पढ़ने मिलता है। अब इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, देखो श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है, उनको खुद को पता है कि अर्जुन को क्या सलाह देना है, क्या उपदेश देना चाहिए कि ये युद्ध वो खुद जीत सके। लेकिन उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले अर्जुन का पूरा कॉन्वर्सेशन सुन के लिया, उन्होंने पूरे प्रॉब्लम सुन के लिए, एंड आफ्टर दैट ही गेव द सजेशन। अब इसमें से क्या सीख मिलती है हम लोग को, अगर भगवान सुन सकते हैं तो हम लोग इंसान क्यों नहीं। तो पहले कस्टमर का सुन के लो, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसे प्रॉब्लम्स के बाद उसको कहां कहां पे स्टक हो रहा है वो जिंदगी में, या उसके जो भी मार्केटिंग के जो भी स्ट्रेटेजीज है, कंपनीज है, उसके अंदर कहां पे स्टक हो रहा है। आफ्टर दैट अगर वो भी नहीं है तो वो उसका फाइनल एम क्या है, उसका डेस्टिनी क्या है, गोल क्या है, ये पहले समझ के लेना। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ये पहले समझ लो। मार्केटिंग मैनेजर या जो भी सेल्स मैनेजर है, सेल्समैन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, डोंट थिंक लाइक अ सेलर, ऑलवेज थिंक लाइक अ कस्टमर या फिर बायर। इसका मतलब क्या है, कस्टमर के मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, उसके डिफिकल्टीज क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके गोल क्या है, एम क्या है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर इंडिविजुअल का हो, ये पहले पढ़ना सीख लो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसके माइंड को रीड करो, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ये पहले समझ लो, पहले सुन लो। नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन द फर्स्ट चैप्टर, एवरी वन इज गिविंग द आंसर, ओके, सो जस्ट फर्स्ट लिसन, दिस इज द मेन सीख, ये मेन लिसनिंग पावर है भगवद गीता से जो अपने को सीखने मिलती है, कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले सुन लिया, बाद में उन्होंने रिप्लाई दिया। सेम चीज मार्केटिंग के लिए करना है। तो आज मैं नया स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आया हूं। पहले कैंडिड बातें सेशन 1 में मैंने 3W की स्ट्रेटेजी आज बताई थी, आज मैं आपको बताने वाला हूं 3C की स्ट्रेटेजी। कम ऑन, क्या बोला मैंने, 3C की स्ट्रेटेजी, जिसमें का पहला सी है कनेक्ट, जिसमें का पहला सी है कनेक्ट। यू हैव टू कनेक्ट विद द कस्टमर, क्लाइंट्स के माइंड के साथ।
आपको उसके माइंड के साथ कनेक्ट हो जाना है, और इस तरीके के साथ कनेक्ट हो जाना है कि उसका नाता आपके साथ अटूट हो जाए। अटूट नाता बनना चाहिए, जैसे कि आप मोबाइल को चार्जिंग लगाते हो। बहुत सारे मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है, हर एक का चार्जर अलग अलग है, तो पर्टिकुलर मोबाइल को पर्टिकुलर चार्जर ही रिक्वायर्ड है, तो वो चार्जर उसको डालोगे, उसको इंसर्ट करोगे या फिर प्लग इन करोगे, तब जाके मोबाइल चार्ज होगा और मोबाइल दौड़ना शुरू हो जाएगा। सेम चीज कस्टमर का है, पहले उसका चार्जर ढूंढ लो, एग्जैक्टली उसका सॉकेट क्या है, वो पॉइंट अगर आप प्रॉपर कंसिडर या पकड़ लोगे, उसका प्रॉब्लम समझ लोगे, तो आपको उसका हल फटाफट समझ में आ जाएगा, तो आप अपना मैसेज उस तक जरूर पहुंचा पाओगे। तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, कनेक्ट हो जाओ कस्टमर के साथ, कनेक्ट हो जाओ। अभी आप कहोगे कनेक्ट होना मतलब एग्जैक्टली किस तरीके से कनेक्ट होना है। अब कनेक्ट होने के लिए बहुत सारे वेज है, जिसमें के तीन चार वे मैं आपको बता देता हूं। पहला वे, दैट इज अ फिजिकल कनेक्शन। दूसरा वे मेंटल कनेक्शन। तीसरा वे इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्शन। एंड फिफ्थ वन इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। पहला वे मैंने कहा फिजिकल कनेक्शन। अब फिजिकल कनेक्शन मतलब क्या, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, दैट इज व्हाट द फिजिकल कनेक्शन। तो आप पहले सुन के लो, दैट इज व्हाट द फिजिकल कनेक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सोशल इंटेलेक्चुअल मेंटल या फिर इमोशनल, ये कनेक्शन मतलब क्या। मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ता हूं। आप सपोज एक मोबाइल शॉप में एज अ मार्केटिंग मैनेजर हो, ठीक है, कोई कस्टमर आ गया, कस्टमर ने आपसे कहा कि ऐसा मोबाइल दिखाओ भैया जहां पे है ना चार्जिंग ज्यादा से ज्यादा चलनी चाहिए, मेरा मोबाइल जल्दी डेड हो जाता है, तो मेरे को ऐसा ज्यादा दिन चलने वाला मोबाइल चाहिए जिसका बैटरी लाइफ ज्यादा हो। आपको पॉइंट मिल गया, उसका इमोशनल पॉइंट क्या है, उसको कहां पे मन को तकलीफ हो रहा है या उसके मन को तकलीफ कहां पे हो रहा है, एग्जैक्टली उसका मोबाइल का चार्जिंग जल्दी खत्म होता है। ये सेंटेंस वापस दोहरा दो उसके सामने, हाँ भाई मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो गया ना, तो दिमाग की दही हो जाती है। तो ये पहले समझ लो, ये पॉइंट, ये सेंटेंस वापस उसके साथ दोहरा दो, एंड दोहराने के बाद सामने वाला कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कस्टमर को फील होगा कि नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम समझ रहा है। सपोज कस्टमर ने कहा कि मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए, मोबाइल जल्दी जल्दी हैंग हो जाता है, उसका रैम ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मोबाइल दिखाओ। पॉइंट मिल गया, रैम ज्यादा मेमोरी ज्यादा वाला उसको मोबाइल दिखा दो, खुश हो जाएगा। इट मीन्स दैट फर्स्ट कनेक्ट विद द कस्टमर, पहला सी कनेक्ट विद द कस्टमर। सेकेंड सी क्या है इसमें का, तीन सी बताने वाला था, पहला है कनेक्ट, दूसरा है कन्वे। जब आप कनेक्ट हो जाओगे तो आप अपना मैसेज उस तक पहुंचाना चालू करो। मैसेज मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का बैटरी जल्दी खत्म हो जाता है, इट मीन्स दैट आपको ऐसा मोबाइल चाहिए जिसका बैटरी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, ताकि आपके काम में रुकावट ना आ जाए। कस्टमर कनेक्ट हो गया, अब दो चार पीस आपने उसको दिखा दिए, दो चार पीस दिखाने के बाद आप अपना मैसेज उसके साथ कन्वे करना चालू करो। कन्वे मतलब क्या है कि सर ये मोबाइल अच्छा है, बॉस ये मोबाइल अच्छा है, इसमें ये ज्यादा बैटरी बैकअप है, इसमें ये मेमोरी ज्यादा है, ये रैम ज्यादा है, आप उसके स्पेसिफिकेशंस बताओगे। ओके, ये बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डील्स होते हैं तो आपको एक सेंटेंस बताता हूं, अभी याद आया तो बता देता हूं। कम ऑन, कोई भी डील फिक्स करने के लिए उसके पीछे का फील फिक्स होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या, डीलिंग फिक्स होने के लिए उसके पीछे का फीलिंग पता होना बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी क्लाइंट के साथ डील करते हो तो उसका पहले फीलिंग पहचान लो, आपका डील फिक्स हो जाएगा। सेम चीज मोबाइल के शॉप का एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो कन्वे कर दिया आपने अपना मैसेज। अब जाते हैं तीसरा सी जो फाइनल स्ट्रेटेजी है, तीसरा सी जो फाइनल स्ट्रेटेजी है, कनेक्ट कन्वे एंड द लास्ट वन इज कन्विंस। कन्विंस, अब भगवद गीता में क्या हुआ था, पहले भगवान श्री कृष्ण कनेक्ट हो गए, अब अर्जुन ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भगवान श्री कृष्ण को बताए। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि भगवान होते हुए भी मेरे सारे प्रॉब्लम्स आपने सुन लिए, आप महान हो। मतलब अर्जुन कनेक्ट हो गया स्पिरिचुअली, अर्जुन बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया भगवान श्री कृष्ण के साथ। फिर श्री कृष्ण भगवान ने पंद्रहवें अध्याय तक अर्जुन को कहा कि आप ये कीजिए, ये संसार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको युद्ध जीतने के लिए ये काफी, मतलब काफी ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होगी। तो उन्होंने उनका मैसेज कन्वे किया, एंड बाद में आगे आने वाले दो अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने उनको कन्विंस किया कि आपको ये युद्ध लड़ना पड़ेगा, ये असत्य के विरुद्ध लड़ा हुआ युद्ध है, तो ये आपको लड़ना पड़ेगा।
तो इसको कहते हैं कन्विंस करना। आप कस्टमर को भी इसी तरीके से कन्विंस कर दीजिए। जब आप कन्वे कर देते हो, कनेक्ट हो जाते हो और अपना मैसेज कन्वे कर देते हो, तो कन्विंस करने के लिए ट्रस्ट मी बहुत कम टाइम आपको लगेगा एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर डील्स जो आप डे टू डे लाइफ में कैच करने वाले हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। एक रिपोर्ट बताता हूं, सर फिलिप कोटलर द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, उनका स्टेटमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज नॉट द एंटायर कंपनी। आई रिपीट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज नॉट द एंटायर कंपनी बट एंटायर कंपनी शुड बी द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्या कहा मैंने, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज नॉट द एंटायर कंपनी। मतलब लोग कहते हैं कि सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर मेरी कंपनी की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट पूरा का पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है, बट एवरी एम्प्लॉय इन द कंपनी शुड बी द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एक एम्प्लॉय है, चला गया बर्थडे पार्टी पे, शादी में या कई ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, तो कभी भी आप अपना प्रोडक्ट, अपने कंपनी का प्रोडक्ट प्राउडली उनके सामने रिप्रेजेंट करो, क्योंकि वो प्रोडक्ट के पीछे आप दिन का 8 आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हो, मिनिमम 8 आवर्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट का फिर रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, उसकी मार्केटिंग होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं, दिन का 8 घंटा वो प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो अपने खुद के जिंदगी का। और अगर वो प्रोडक्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के सामने अगर प्राउडली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो मेरे को लगता है आप अपने जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो डोंट वेस्ट द टाइम, इन्वेस्ट द टाइम। कंपनी का हर एक एम्प्लॉय जिम्मेदार है उसके प्रोडक्ट के सेल के साथ। इसका मतलब आप जितना अपने प्रोडक्ट को पब्लिक में प्राउडली बोलोगे, उतना ज्यादा आपका सेल्स बढ़ने वाला है। वेदर दैट पब्लिक ग्रुप और आपका फ्रेंड्स ग्रुप आपके प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं रखता है, फिर भी वो कभी ना कभी माउथ पब्लिसिटी काम में आने ही वाला है। सो बी अ प्राउड ऑफ योर कंपनी एंड योर प्रोडक्ट। आगे बढ़ता हूं, फिलिप कोटलर सर का और एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, मार्केटिंग इज अ रेस विदाउट अ फिनिश लाइन। यस, एक बार वापस रीड कर लो, मार्केटिंग इज अ रेस विदाउट अ फिनिश लाइन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोडक्ट ए मैंने आज मेरे कंपनी ने मार्केट में लेके आया, बहुत आपने उसका मार्केटिंग किया, बहुत चला प्रोडक्ट, बहुत प्रॉफिट देके गया आपके ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को, लेकिन ये प्रोडक्ट ए को अपडेट करने के लिए प्रोडक्ट बी भी मार्केट में कभी ना कभी आने वाला है, तो प्रोडक्ट ए डाउनग्रेड हो जाएगा, प्रोडक्ट बी हो जाएगा अपग्रेडेड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है, अभी आपको प्रोडक्ट बी को मार्केटिंग में लाना है, मार्केट में लेके आना है, कस्टमर्स को उसका इंपॉर्टेंस समझा के देना है कि प्रोडक्ट ए कितना डाउनग्रेडेड हुआ है और प्रोडक्ट बी अभी कितना अपग्रेड हुआ है। इसका मतलब प्रोडक्ट बी चला गया वापस प्रोडक्ट सी, इट इज अ चेन। सो मार्केटिंग इज अ रेस विदाउट अ फिनिश लाइन, विदाउट अ फिनिश लाइन। एक सिंपल सा कोरिलेशन मैं आपके सामने रखता हूं, रिलेशन आप कह सकते हो उसको, पुअर कंपनी ऑलवेज इग्नोर देयर कॉम्पिटिटर्स। कम ऑन, पुअर कंपनीज ऑलवेज इग्नोर देयर कॉम्पिटिटर्स, एवरेज कंपनी इमिटेट देयर कॉम्पिटिटर्स, एंड विनिंग कंपनी ऑलवेज लीड्स देयर कॉम्पिटिटर्स। मतलब क्या है, जो एवरेज कंपनी होती है, एवरेज कंपनी हमेशा इमिट करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर करती है, लेकिन जो विनिंग कंपनी होती है हमेशा, वो विन क्यों होती है, बिकॉज वो अपने कॉम्पिटिटर्स को लीड करके आगे पहुंचती है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा के आगे पहुंचती है, उसके कॉम्पिटिशन को वो डिग्रेड कर देती है और उसके कॉम्पिटिशन को, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा के उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना चालू करती है। इसके साथ साथ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा रिलेशन है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जितना परफॉर्मेंस रहेगा, इसका मतलब परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बोल दिया मैंने। अभी आप कहोगे सर फिलिप कोटलर ने जो कहा था उसके एग्जैक्ट अपोजिट आप कह रहे हो, एक मीनिंग इसका बताता हूं, बी एट इशू ऑफ कस्टमर्स इशू। इसका मतलब क्या है, जब भी कस्टमर प्रॉब्लम में है, जब भी कस्टमर को कोई भी इशू है, डिफिकल्टी है, तब जाके कस्टमर का, क्लाइंट का टिश्यू बन के जाओ, उसके आंसू पोंछो,
आंसू पोछो, मतलब उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करो। जितना जल्दी उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, कस्टमर आपको जिंदगी भर याद रखेगा और जभी जभी प्रॉब्लम आएगा तब तब वो आपको कॉल करेगा। सो बी अ टिश्यू ऑफ कस्टमर्स इशू एंड द फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड, व्हेन द कस्टमर इज इन ट्रबल यू शुड बी इन हम्बल। इसका मतलब क्या, कस्टमर अगर प्रॉब्लम में है, वो डिफिकल्टी में है, तो उस वक्त आप उसके ऊपर भड़क मत जाना, ये तेरे को नहीं आ रहा है क्या, ये आपको नहीं आ रहा है क्या, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। ऐसे स्टेटमेंट मार्केटिंग में कभी यूज मत करना, बिकॉज वो डील तो सॉल्व हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कस्टमर वापस नया डील आपके साथ साइन नहीं करेगा। तो बी अ हम्बल व्हेन कस्टमर इज इन ट्रबल। तो हम्बल रहो, उसका प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करते रहो, यही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं इतने हम्बल थे कि उन्होंने पहले अर्जुन का डायलॉग सुन के लिया और फिर उन्होंने उसको उपदेश किया। तो 3C के स्ट्रेटेजी के साथ आज का वीडियो फिनिश करता हूं। 3C स्ट्रेटेजी, पहला है कनेक्ट, बाद में कन्वे एंड देन कन्विंस। ओके, सो ये 3C स्ट्रेटेजी हमेशा मार्केटिंग में अप्लाई करते रहो। ऐसे ही नए नए वीडियोस मार्केटिंग के ऊपर या फिर मैनेजमेंट के कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग लेके आने वाले हैं जल्दी। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे दिए गए बटन के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि इनको भी मार्केटिंग में जो लोग हैं उनको उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बिकॉज नाउ वी आर इन प्रॉब्लम्स ऑफ कोरोना, तो कोरोना के बाद वाली जो जिंदगी होने वाली है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग का यूज हम लोग को करना पड़ेगा, बिकॉज नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आने वाले, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो सबके साथ इसको शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो चलो जल्दी मिलते हैं कैंडिड सेशन, कैंडिड बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।